चलिए अब नोएडा लेके चलते हैं आपको। और नोएडा में करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वर्किंग डे के पहले दिन ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है और महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वहां पर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा है। कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा है नोएडा में। और आप देख सकते हैं ये महामाया रोड की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला रोड तक लंबा जाम लगा हुआ है। 3 घंटे तक का लंबा जाम लगा हुआ है और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। पहले दिन वर्किंग डे का पहला दिन, और उसके बाद आप तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है नोएडा में। लंबे जाम से लोग परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा जाम है, काफी वक्त लग रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए, और साथ ही साथ आवाजाही भी ठप दिखाई दे रही है। करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम। वहीं बदायूं में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कूलर में करंट आने से झुलसा युवक, इलाज के दौरान मौत हो गई उस युवक की। करंट लगने से युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अब्बासी कॉलोनी की यह घटना है। तो कूलर में करंट आने की वजह से युवक झुलस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहकीकात चल रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौत की वजह आखिर क्या है, क्या वो करंट है या फिर कुछ और। और करंट लगने से फिलहाल युवक की मौत बताई जा रही है, और आसपास के लोगों में, परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम का माहौल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर चित्रकूट के संत महात्माओं के दरबार में भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य के दरबार में शिष्यों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। जगत गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा लेने के लिए दूर दराज से आए हुए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो गुरु के आशीर्वाद के लिए लंबी कतार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भरी तादाद में लोग चित्रकूट पहुंचे हुए हैं और गुरु के एकमात्र दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं और कतार में लगे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।